राजनगरी के जिला अस्पताल में भी मधुमेह दिवस के मौके पर अस्पताल परिसर में आने वाले मरीजों को डायबिटीज जैसी घातक बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान अस्पताल में आने वाले मरीजों की डायबिटीज की जांच की गई, साथ ही चिकित्सकों द्वारा मरीजों को परामर्श भी दिया गया। विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है और यह दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। इस दिन का उद्देश्य मधुमेह पर जागरूकता और रोकथाम के महत्व पर जोर देना है। दिन बढ़ती जा रही है, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें डायबिटिक का कोई केस ना हो। और आप देखें तो पूरे संसार में ये डायबिटीज का जो केस है इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अपने आगरा की बात करें तो आगरा में भी डायबिटीज के केस बहुत हैं। अब तो ये देखने में आ रहा है कि जो 40 साल से नीचे के लोग हैं उनमें भी डायबिटीज बहुत मात्रा में पाई जाती है। जहाँ तक जिला अस्पताल की बात है, हमारे यहाँ डायबिटीज के रोगियों के लिए एक अलग से ही विभाग काम कर रहा है, जिसे NCD विभाग कहते हैं, जिसमें आप बैठे हैं, देख रहे हैं, क्लिनिक है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इनकी जाँचें हो रही हैं। तो पूरा स्टाफ यहाँ पर तैनात है, पूरी जाँचें हो रही हैं और उससे संबंधित सारी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध भी हैं। विश्व मधुमेह दिवस सबसे बड़े वार्षिक मधुमेह जागरूकता अभियानों में से एक है, जिसमें 160 से अधिक देश भाग लेते हैं और 100 करोड़ से अधिक जीवन इससे प्रभावित होते हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि पहले के टाइम पे ये बुजुर्ग लोगों में होती थी ये बीमारी, लेकिन आज जो है 20 साल 25 साल 30 साल सभी को होती है। तो इसके लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपना समय से जो है आजकल 40 साल से ऊपर होते ही सबसे पहले अपना हर साल में एक बार शुगर जरूर नपवाएं, अपनी अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, खान पान चेंज करें, जिससे कि हम इस रोग से लड़ पाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के समर्थन से 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा इस दिन को प्रस्तावित किया गया था और 2006 में यह एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस बन गया। सर, एक तो ये हमारा जो दिनचर्या है वो खराब होने की वजह से हो रहा है। हम लोग जो है शारीरिक फिजिकल लेबर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और फास्ट फूड पर हमारी जनता और हम लोग ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। अब मेहनत बिल्कुल जीरो सी होती जा रही है, इसलिए ये डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है, अर्ली एज में भी हो रही है, छोटे बच्चे भी डायबिटीज ग्रसित हो रहे हैं। यदि हम चाहें तो इसका काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। खाने पीने में सुधार कर लें, ज़्यादा नहीं कुछ करना है, सुबह सुबह मेहनत करके कुछ घूमना फिरना खेलना कूदना भी कर लें तो इस बीमारी से। आज जो डायबिटीज डे का मतलब ही यही है, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मधुमेह एक पुरानी चयापचय बीमारी है जो खून में ग्लूकोज के ऊंचे स्तर से संबंधित है, जो समय के साथ हृदय, रक्तवाहिकाओं, आँखों, गुर्दे और तंत्रिकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। सबसे आम टाइप 2 मधुमेह है। आमतौर पर वयस्कों में यह तब होता है जब शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है या पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है। इंजेक्शन का डायबिटीज में तो रोल नहीं है, लेकिन सर ये जो बच्चों की जो मेटाबॉलिज्म है उस पर बहुत ज़्यादा असर आ रहा है। डेफिनेटली केमिकल्स जो जा रहे हैं दवा के रूप में जाएं, खाने में जाएं या पोल्यूशन से जाएं, ये खतरनाक तो है ही है। तो आजकल ऑर्गेनिक खेती की बातें इसीलिए की जा रही हैं कि वो देश के लिए जनता के लिए फायदेमंद होंगी। सर, खाने पीने पर ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, समय से सब काम करना सीखें, जिससे हमारा देश तरक्की करे, आपका स्वास्थ्य बना रहे, ये सबके फायदे की चीज है। लेकिन बड़ों के साथ साथ अब यह बीमारी बच्चों में भी घर कर रही है। बच्चे भी अब डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं, यह चिंता का विषय है। ऐसे में स्वास्थ्य संगठन द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में भी मधुमेह दिवस के मौके पर लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही मरीजों की डायबिटीज जाँच की गयी। इस दौरान जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा मरीजों को परामर्श देने के साथ दवाइयों का वितरण भी किया गया। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।